नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। और कितने बजे तक कितना फीसदी अभी तक मतदान हुआ है जरा वो आप देखिए। देहरादून में 5 बजे तक 52% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है और अल्मोड़ा में 5 बजे तक 50% से ज्यादा मतदान हुआ। लेकिन वोटिंग अब पूरी तरीके से थम चुकी है क्योंकि समय पूरा हो चुका है। लेकिन फिर भी आपको आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं कि 5 बजे तक कितना मतदान हुआ है, कहां पर क्या स्थिति रही जरा वो आप देखिए। बागेश्वर में 5 बजे तक 57% से ज्यादा वोटिंग हुई है और वहीं इसी तरीके से टिहरी गढ़वाल में 52% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया। वहीं देहरादून में 5 बजे तक 52.93% वोटिंग हुई है। अल्मोड़ा में 50% से ज्यादा मतदान हुआ है। हरिद्वार में 5 बजे तक 67.58% मतदान हुआ। तो 5 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज हम आपको दिखा रहे हैं और 6 बजे तक मतदान संपन्न हुआ। लेकिन उसके बीच क्योंकि 5 से 6 का 1 घंटे का समय जरूर रहा है, अंतराल रहा है, लेकिन कितना इसमें अंतर आता है, 5 बजे के इस वोटिंग परसेंटेज में कितना बदलाव 1 घंटे के इस समय अंतराल में देखने को मिलता है, ये फिलहाल चीजें साफ होना अभी बाकी है। लेकिन 5 बजे तक की जो वोटिंग परसेंटेज है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। चमोली में 5 बजे तक 59.28% मतदान हुआ है। पिथौरागढ़ में 5 बजे तक 57.49% मतदान हुआ है। रुद्रप्रयाग में 5 बजे तक 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है और चंपावत में 56.97% मतदान हुआ है। तो बेहद महत्वपूर्ण ये मतदान है और जाहिर तौर पर लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। बहुत हद तक पाबंदियां थी, बंदिशें थी क्योंकि कोरोना काल भी था। संक्रमण के इस दौर में बहुत ज्यादा पाबंदियां पॉलिटिकल पार्टी और उनके होने वाले पॉलिटिकल रैलियों पर भी थी। लेकिन आप जिस तरीके से वर्चुअली माध्यम से लोगों को संबोधित किया गया, पॉलिटिकल पार्टियों ने वर्चुअली लोगों से जुड़ाव बनाया, ये अपने आप में एक नई तरीके की चीज़ सामने आई है और नए तरीका का एक प्रयोग देखने को मिला है। वहीं सबके बीच में लोगों ने भी इस चुनाव के अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अपनी भूमिका इस चुनाव के अंदर बेहद महत्वपूर्ण दिखाई भी है, बताई भी है। साथ ही साथ जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी अब सामने है। 5 बजे तक का जो आंकड़ा है, 5 बजे तक कितना लोगों ने मतदान किया वो लगातार आप देख रहे हैं। अलग अलग इलाकों की अलग अलग तस्वीरें भी हैं। पौड़ी गढ़वाल में 5 बजे तक 52.66% मतदान हुआ। वहीं चमोली में 59.28% 5 बजे तक मतदान हुआ और इसी के साथ टिहरी गढ़वाल में 52.66% मतदान हुआ 5 बजे तक। देहरादून में 5 बजे तक 52.93% मतदान हुआ है। तो लगभग आप ये मानिए कि 50% से ज्यादा तो आप हर एक विधानसभा क्षेत्र पर वोटिंग आप देखने को मिली है। रोहित सोनी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, क्या अभी तक जानकारी है और वोटिंग परसेंटेज, क्योंकि 5 बजे तक के आंकड़े भी हम अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक बड़े बदलाव के संकेत इसमें माने जाएं या फिर लगभग इसी 5 बजे के जो आंकड़े हैं इसी के आसपास से ग्राफ रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए जो सुबह से मतदान प्रक्रिया जारी रही, सुबह 8 बजे से लेकर के और शाम 6 बज गए हैं, जबकि तमाम जगहों पर यानी विधानसभा जो बूथ बनाए गए थे उन बूथों पर सीलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है, मशीनें सील की जा रही है। लेकिन जो भी फिलहाल जो निकल कर सामने आया कि 5 बजे तक जो टोटल मतदान हुआ करीब 60% के आसपास मतदान हुए हैं। ऐसे में जो अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव के हम अनुमान लगाए तो करीब यह आंकड़ा जो है 65% के आसपास जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो समीकरण बैठ रहे हैं, समीकरण यह कह सकते हैं कि अगर बहुत अधिक मतदान होता तो कह सकते हैं बदलाव की ओर हम बढ़ रहे हैं, कम मतदान होता तब भी बस से बदलाव और बढ़ा। लेकिन जो एवरेज निकाला जा रहा है कि एवरेज जो शुरू में रहा है मतदाताओं का वह एवरेज अभी भी देखा जा रहा है। हालांकि जब मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी सुबह से, तो जब पहला रुझान जो पहली जो आंकड़े जारी किए गए थे 9 बजे की, उस समय मात्र 5% रहा। उसके बाद 11 बजे जारी किया गया तो जो 18% हुए, फिर 35% हुए और अब फिलहाल जो है 59% के आसपास है। तो कह सकते कि इस तरह से जो लगातार लोगों का रुझान बढ़ा है और यह भी एक बदलाव। लेकिन मैंने कभी अपने को सहज महसूस नहीं किया, असहज महसूस किया। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है और मैं वहाँ असहज महसूस करता रहा। आखिरकार मैंने कांग्रेस में शामिल हुआ, 40 साल का राजनीतिक जीवन में कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया। मेरा राजनीतिक सफर कहिए, राजनीति यात्रा कहिए, मेरी कांग्रेस में रही है। मैं मूल रूप से कांग्रेस विचारधारा कर रहा हूँ, मेरे खून में कांग्रेस है। लेकिन जो
स्थिति है, जो 5 साल में 4.5 साल में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में रहा, तो सरकार में रहा, एक अंग था सरकार का, लेकिन जो हालात थे, जो इस तरह की परिस्थितियाँ थी, वो ये विपक्ष में काम कर अच्छा काम करते, विपक्ष की भूमिका को निभा सकते हैं, लेकिन सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, जो सरकार चलाना आता है, और सरकार भी एक जो एक आक्षेप लगता रहा है कांग्रेस पर लगता है सर आपने। मैंने भापा नहीं है, मैंने कहा ना कि मैं आया हूँ, मैंने तब भी कहा, आपने हो देखा होगा, मैंने तभी कहा मैं कांग्रेस में आया हूँ, कांग्रेस को के मूल्य जो हैं, कांग्रेस के सिद्धांत हैं, जो कांग्रेस की नीतियाँ हैं, उसको मैं उसके अनुरूप मैं कार्य करूँगा, और 2022 में मैं कांग्रेस को स्थापित करने के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करूंगा। मेरा कोई लालसा नहीं है, कोई लालसा नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं है, न पद की आकांक्षा है। लेकिन सर अब तो वोटिंग एक सवाल है कि आप कांग्रेस में भी मंत्री रहे, भाजपा में भी मंत्री रहे, ऐसे में आपके लिए चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल रहा होगा, जब आप यह कहने की स्थिति में होते होंगे कि क्षेत्र में काम नहीं हुआ, हमें काम करना है, लेकिन आप सरकार में मंत्री थे, उससे पहले भी मंत्री थे, तो कैसे आपने जनता के इस मिजाज को मैनेज किया? देखिए, मैं जिस दिन मैं चुनाव में मुझे जनता का आशीर्वाद मिलता है, मैं चुनकर आता हूँ, और उसी दिन से मैं मेरा 5 साल का खाका मेरे दिमाग में होता है, मेरे जहन में होता है। मैं ये नहीं कि मैं 6 महीने पहले, एक साल पहले मैं चुनाव की भूमिका बनाऊँ, मैं चुनाव जिस दिन चुनाव शुरू होता है, चुनाव खत्म होता है, जिस दिन जीत हासिल होती है, उसी और हमारे संवाददाता रोहित सोनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। रोहित, जरा सबसे पहले क्योंकि हम उसी समीकरण को जरा यहाँ समझ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब 2017 के चुनावों पर अगर नजर डालें तो जो नतीजे सामने आए थे वो 57 सीटें लगभग बीजेपी के खाते में जाती हैं, आप अन्य के पास 2 सीटें जाती हैं, लेकिन इस बार तीसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी है। आप क्या लग रहा है कि ये जो टूट है या जो जिस भी खेमे से जो सीट गिरेंगी वो नुकसान किसको करेगी आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा? अभी तक जो फिलहाल आपने देखे हैं रुझान या जो आपने लोगों के बीच में जाकर के आपने बातें आप देखी हैं, सुनी है उनकी, क्या उसमें आपको नजर आता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह की चर्चाएं आम जनता भी कर रही है, फिर जो कह सकते हैं कि मतदान की स्थितियों के दौरान जो हमारी जनता से बात हुई उस दौरान अगर देखें तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी तो तीसरे विकल्प के रूप में उभरी है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी पहले से काफी अधिक सक्रिय हुई और पिछले 2 साल में उन्होंने पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। लेकिन एक बात आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो समीकरण उत्तराखंड के बने हुए हैं उसमें कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी करीब 1 से 2 सीट निकालने में कामयाबी हासिल कर सकती है, तो वहीं भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा भी जो है करीब 2 से 3 सीटें निकालने में कामयाबी हासिल कर सकती है, लेकिन कुल मिलाकर जो पूरा राजनीतिक समीकरण रहने वाला है कांग्रेस बीजेपी के बीच में ही रहने वाला है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो कहना कि आम आदमी पार्टी के दस्तक के बाद इसका नुकसान मुख्य रूप से जो है कांग्रेस को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी की जो कैडर वोट है वो कहना कि बीजेपी को वोट देती है, लेकिन इससे इधर जो कांग्रेस की अगर बात करें तो वो सभी समीकरणों को लेकर चलती है, हर वर्ग को साथ में लेकर चलती है, तो इस वजह से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम करेगी। कुल मिलाकर जो फिलहाल स्थितियां हैं उस स्थितियों में देखें तो जिस तरह की जो देखने को मिल रहा है कि मतदाताओं का रुझान एक साथ, यानी 12 बजे के बाद से जो मतदाताओं का रुझान एक साथ बढ़ा है, और इससे इसलिए ये कह सकते हैं कि जो मतदाता है वह किस ओर जा रहे हैं या अभी कहना बहुत ही जल्दबाजी हुई, लेकिन फिलहाल जो चर्चाएं हैं या फिर कह सकते हैं जो आम लोगों से बातचीत करके या फिर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनसे बातचीत करके यही पता चल रहा है कि फिलहाल जो समीकरण रहने वाले चुनाव के यानी नतीजे रहने वाले हैं वो बीजेपी कांग्रेस लगभग सेम पद पर रहने, यानी सेम ही बहुमत उनको प्राप्त होंगे, तो इसमें कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी की, और अगर दोनों ही पार्टियों के लगभग 32-34 अगर प्राप्त होते सीटें उनको मिलती हैं तो ऐसे में सरकार बनाने में अड़चनें भी आ सकती हैं, इसको लेकर के भी लगातार बीजेपी संगठन का इसलिए ये मुकाबला बेहद दिलचस्प इसीलिए माना जा रहा है। जरा मैं वापस लौटूंगा आपके पास, लेकिन रुड़की से हमारे संवाददाता प्रिंस शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिंस, जरा सबसे पहले क्योंकि अभी तक वोटिंग परसेंटेज जो रहा 5 बजे तक के पूरे हम आंकड़े दिखा रहे हैं अपने सभी दर्शकों को, आप उस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या अभी तक हवा नजर आ रही है, और 6 बजे क्योंकि पूरी तरीके से वोटिंग जो है समाप्त हो गई तो उस 1 घंटे के अंतर में कितना बड़ा अंतर आप देख रहे हैं, कितना बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात करें रुड़की की हम बात करें तो रुड़की में 5 बजे तक के जो आंकड़े बताए जा रहे थे 59% जो मतदान था रुड़की में हुआ था 5 बजे तक, जिसके बाद अभी हाल ही में मतदान जो है वो बंद हो चुका है, 6 बज चुके हैं, उसके बाद अभी पोलिंग एजेंट जो है वो आगे की तैयारियां कर रहे हैं, और अगले जो पता चलेगा 7 बजे तक पता चलेगा कि जो कौन मतदान हुआ है वो कितना हुआ है। बात रुड़की विधानसभा सीट की करें तो कहीं ना कहीं भाजपा
कांग्रेस की यहाँ पे कई टक्कर मानी जा रही थी, जिसको लेकर मतदान प्रतिशत जो रहा है, हालांकि दोपहर तक मतदान प्रतिशत बहुत कम रहा था, दोपहर एक बजे तक जो मतदान प्रतिशत था 35% था, लेकिन उसके बाद लोग घरों से बाहर निकले और उन्होंने मतदान किया है। और हालिया देखने वाली बात यही होगी, मतदान कितने प्रतिशत 7 बजे तक का जो निकल कर आता है उसके बाद ही आगे के आंकड़े बताए जाएंगे। टक्कर जो है भाजपा और कांग्रेस की बताई जा रही है, हालांकि जैसा कि रोहित जी ने बताया कि आम आदमी पार्टी को तीसरे विकल्प के तौर पर उत्तराखंड में देखा जा रहा था, रुड़की में भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को हालांकि लोगों ने पसंद किया है, लेकिन किस तरह से कितनी सीटें उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी निकालकर लाती है ये एक देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये पूरी तरीके से 10 मार्च को साफ हो पाएगा और ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मुकाबले को बेहद दिलचस्प किया है, क्योंकि ये सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस का जो मुख्य तौर पर मुकाबला माना जाता रहा, इसमें आम आदमी पार्टी के आने के बाद से एक नयापन इसमें जरूर देखने को मिला है और जाहिर तौर पर कितना असर डालती है और किस राजनीतिक दल को कितना नुकसान पहुंचता है ये फिलहाल देखने वाली चीज है। मैं वापस लौटूंगा, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। हरिद्वार से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जरा सबसे पहले, क्योंकि हरिद्वार की अगर वोटिंग परसेंटेज को लेकर के देखा जाए, बहुत हद तक लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया, 2017 के वोटिंग परसेंटेज से अगर तुलना करें तो कितना अंतर इसमें नजर आ रहा है? देखिए, अगर पहले चुनाव की अगर बातचीत करें तो करीब 70% के करीब मतदान हरिद्वार जनपद में हुआ था, लेकिन इस बार की अगर बात करें तो उत्तराखंड में तो सबसे ज्यादा मतदान यहाँ पर हुआ ही है। अभी जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे से बात हुई है तो 5 बजे तक जनपद में जो उन्होंने बताया है तो 70% यहाँ पर मतदान हो चुका है जनपद में। तो अभी चूंकि 1 घंटा और 6 बजे के आंकड़े आएंगे तो जो मतदान का परसेंटेज है वो 70+ यहाँ पर रहने वाला है, जो अपने आप में पिछले चुनाव से कहीं ज्यादा यहाँ पर परसेंटेज रहेगा। इसके साथ अगर बात करें तो इस बार बीजेपी और कांग्रेस सीधे कड़ा मुकाबला यहाँ पर रहा है। हरिद्वार सीट पे 4 बार से विधायक हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, उनका सीधा सीधा मुकाबला एक संत से हुआ है। कांग्रेस ने संत को प्रत्याशी बनाया था और नशे को लेकर उन्होंने पूरा चुनाव लड़ा है, तो जो उनकी टक्कर हुई है वो बिल्कुल नेट टू नेट टक्कर है। अभी ये नहीं कह सकते कि बीजेपी का प्रत्याशी ज्यादा हैवी रहा है या कांग्रेस का रहा है, दोनों का मुकाबला खड़ा हुआ है। उसके साथ दूसरी सीट है हरिद्वार ग्रामीण सीट, वहां पर मौजूदा जो कैबिनेट मंत्री हैं स्वामी यतीश्वरानंद संत हैं, वो 2 बार से वहां पर विधायक हैं उस सीट से, हरिद्वार ग्रामीण से, और पिछली बार हरीश रावत को उन्होंने चुनाव में हराया था। लेकिन इस बार दिलचस्प ये है कि हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत उनके सामने कांग्रेस से प्रत्याशी थी और कहीं ना कहीं जो उनकी टक्कर है वो भी एकदम नेट टू नेट उनका मुकाबला माना जा रहा है, तो बहुत अच्छा चुनाव यहाँ पर भी हुआ है। दूसरा रानीपुर सीट की बात करें तो 2 बार से पिछले 10 साल से विधायक है वहां पर आदित्य चौहान, उनका भी एक दूसरा ही उनकी बिरादरी के राजवीर चौहान जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे और श्रमिक नेता हैं, बीएचएल में बड़ी नेता उनकी यूनियन है, उसके वो नेता रहे हैं लंबे समय से, तो उनका मुकाबला भी बिल्कुल नेट टू नेट यहाँ पर हुआ है। तो 2-3 सीट हैं जो बिल्कुल यहाँ खड़ा मुकाबला उनका हुआ है। हालांकि ज्वालापुर सीट है वहां पर सुरेश राठौड़, अन्य कई दल रहे हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं वहां पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी जो रहे हैं। तो इसी तरह से जनपद में इस बार जो परिणाम आने वाले हैं वो बिल्कुल अप्रत्याशित आएंगे, क्योंकि नेट टू नेट यहां पर फाइट हुई है। तीसरे विकल्प के तौर पर भी बढ़ चढ़ करके इस चुनाव के अंदर इस मतदान में हिस्सा लिया है। हिजाब करता हूँ, आप भी करते हैं, पतलून पहन रखा है किसी ने जो चाहता है, ये हिजाबी है, पर्दा है, मर्द भी करते हैं औरतें भी करती हैं, सब करते हैं। बैन लगा दिया है इस तरह से स्कूल में? कोई अभी बैन नहीं लगा, किसी ने कहा बैन लगा दिया, अभी तो कोई बैन नहीं लगा। ये कोई मजहबी ही चीज नहीं है, कोई आदमी मजहब को नहीं मानता वो भी पतलून पहनता है, इसका मतलब ये है कि कोई मजहबी ही चीज नहीं, मजहब भी बताता है लेकिन शर्म हया की बात है। हमारा एक वातावरण है मुल्क का जिसके अंदर औरतें और मर्द नंगे नहीं रहते हैं, मर्द भी ये पतलून पहनते हैं, धोती पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, पाजामा पहनते हैं, ये हिजाबी, इसी को पर्दा कहा जाता है। सर, ये कितना जरूरी है, इस बात पर बहस चल रही है? जिस आदमी में जितनी हया है उतनी जरूरी है, जितना बेहयाई है उतनी ही गैर जरूरी है। स्कूल का कोई मतलब नहीं, आदमी अगर बाजार में चल रहा है वहाँ भी हया जरूरी है और पर्दा जरूरी है। ये हाईकोर्ट जब देगा फैसला तब उसके बाद होगा, आज है बहस, जब हो जाएगी बहस तो उसके बाद देखा। ठीक।
तो हिजाब मामले को लेकर के यहाँ पर अपनी बात रखते हुए, लेकिन वापस से जरा लौटते हैं, हमारे संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित, एक बड़ी चीज क्योंकि चुनाव के अंदर नजर आती है, हर बार के चुनाव में उत्तराखंड के अंदर अक्सर पलायन का मुद्दा जोर शोर के साथ उठाया जाता रहा है, इस बार एक बार फिर से पलायन का मुद्दा उठा है। पलायन के मुद्दे के साथ साथ रोजगार को लेकर के बातें उठने लगी हैं, बिजली को लेकर के, बिजली मुफ्त कौन देगा, इसको लेकर के बड़ी तेजी के साथ रेस चलती है, गारंटी तक दी जाती है, और दूसरी तरफ दृष्टि पत्र के जरिए बहुत हद तक बताने की बात की जाती है। कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो होता है उसमें उत्तराखंडी स्वाभिमान का जिक्र होने लगता है, तो इन सभी बातों के बीच में वोटर के जहन में बहुत सारी, जब वोट डालने जाता है तो बहुत सारी चीजें चलती हैं। लेकिन यहां पर समझना बेहद जरूरी है कि जो पलायन का मुद्दा है वो इन सब के केंद्र में कितना रहा है, पॉलिटिकल पार्टियों ने इसको कितना हवा दी है और कितना प्रमुखता के साथ इसको उठाया है। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड राज्य का जो गठन हुआ था इन सब चीजों को लेकर के हुआ था कि उत्तराखंड राज्य का जो विकास है वह सही ढंग से हो पाए, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश का ये आप पार्ट था तो उस दौरान यही था कि जो उत्तर प्रदेश है लखनऊ से बैठ करके जो तमाम चीजें होती थी, विकास कार्य होते थे, उसका फायदा उत्तराखंड क्षेत्र को नहीं मिल पाता, पर्वतीय क्षेत्र को नहीं मिल पाता था। यही वजह है कि उत्तराखंड राज्य को एक अलग पर्वतीय राज्य बनाने की मांग हुई थी, जिसके बाद से लगातार 4 बार विधानसभा चुनाव हुए और इस बार 5वीं बार विधानसभा चुनाव यानी मतदान उसके लिए संपन्न हो गया है। तो कुल मिलाकर जो मुद्दे शुरू से उठते रहे या फिर जो राज्य आंदोलनकरण मुद्दे मुख्य रूप से यही उठाए थे कि आज भी वो गंभीर समस्याएं लोगों को देखने को मिलती है। पर्वतीय क्षेत्रों की स्थिति यह है कि वहां स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, दूसरा सबसे बड़ा शिक्षा नहीं है वहां पर, और ट्रांसपोर्टेशन की पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं। यही वजह की समय समय पर तमाम मामले देखने को मिलते हैं कि महिला सड़क पर प्रसव कर देती है, इसके अलावा जो मरीज है उनको कंधे पर लाद करके जो है अस्पताल ले जाया जाता है, कई किलोमीटर तक पैदल चढ़ना पड़ता है, पहाड़ी चढ़नी पड़ती है। इन सब समस्याओं के बीच यही वजह रहा है कि शुरू से राज्य गठन की मांग चल रही थी, एक राज्य बनाया जाए जिसका उससे मूल यानी पर्वतीय क्षेत्र को ध्यान में रखते वहां का विकास होना चाहिए। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि अभी भी राज्य सरकारें 4 बार सरकारें यहां पर बनी है और 4 बार सरकारों में यह रहा है कि अभी तक जो व्यवस्थाएं होनी थी उसको पर्याप्त व्यवस्थाएं वहां पर नहीं मिल पाई है। यही वजह है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों से प्लान जो है लगातार नीचे की तरफ प्लान होता रहा है, लोग पहाड़ छोड़ करके मैदानी की तरफ भाग रहे हैं या फिर मैदान से या फिर अन्य राज्यों की ओर भाग रहे हैं ताकि उनको उनके परिवार को बेहतर, उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, उनके परिवार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। तो इन सब चीजों को लेकर लगातार गंभीर समस्या उत्तराखंड बनती रही है। राज्य सरकारें आती हैं, राज्य सरकारें इस बात को कोशिश करती हैं, इस बात को दावा भी करती हैं कि हम पर्वतीय क्षेत्रों का विकास पर्वतीय के रूप में करेंगे, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के रूप में करेंगे ताकि जो आम जनजीवन है वह अस्त व्यस्त ना हो, उनको पर्याप्त सुविधाएं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर रोहित ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं और तस्वीरें भी हम अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। दरअसल आप ये देखिए ईवीएम को आप जो है सुरक्षा के घेरे में, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी साथ में मौजूद हैं और बाकायदा सील करते हुए अब आगे जो स्ट्रांग रूम में जहां पर ईवीएम को रखा जाता है वहां पर ले जाया जाएगा, और ये इसी से जुड़ी आप लगातार तस्वीरें भी देख रहे हैं। लेकिन जरा प्रिंस शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, प्रिंस मैं जरा जल्दी से रुक कर लेता हूं, और इस बार के चुनाव में क्योंकि रुड़की को लेकर के अगर जिक्र हो रहा है तो आम आदमी पार्टी के आने से बड़ा रोचक हुआ ये मुकाबला, लेकिन इसमें क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो यही मान रही है कि परिपाटी के हिसाब से तो इस बार मौका उनको मिलने जा रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बात करें जैसा कि कहा गया कि आम आदमी पार्टी के आने से मामला हालांकि रोचक हुआ है, क्योंकि तो आम आदमी पार्टी के जो रुड़की के कैंडिडेट है हम बताएं तो रुड़की से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं व्यापारी नेता हैं प्रिंस सबरवाली, नरेश सबरवाल प्रिंस नाम है उनका, तो हालांकि मामला उनके आने से रोचक हुआ है और देखने वाले नतीजे यही होंगे कि नतीजे क्या निकल के आते हैं। लेकिन बात की जाए तो 2 बार के सिटिंग एमएलए हैं जो भाजपा के हैं प्रदीप बत्रा, उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया था, और कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस से पूर्व उम्मीदवार जो प्रथम महापौर यहाँ के रहे हैं यशपाल राणा, उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित किया था। तो दोनों में ही हालांकि कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट है वो लगातार भ्रष्टाचार के आरोप दोनों ही प्रत्याशियों पर लगाते हुए अपनी बेदाग छवि के कारण उन्होंने भी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की है। अब देखने वाली बात ये होगी जनता क्या निर्णय लेकर आती है। ठीक है, हालांकि इन सभी के ये 10 मार्च को तय हो जाएगा जनता ने निर्णय क्या किया है और जनता आखिर किसको चाहती है, और आज क्योंकि 14 फरवरी और आज के दिन लोगों ने क्या मैंडेट दिया है ये 10 मार्च को साफ होगा। आप वोटों के द्वारा अपनी चोट क्या वाकई में किस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर आप लोगों ने की है ये देखने वाली चीजें हैं। बहुत शुक्रिया हमारे सभी संवाददाता हमारे साथ जुड़े, आप अपने ग्राउंड जीरो से जानकारी पहुंचाइए, लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं।